ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मायां ददाति स्वावदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागन रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकान्तन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सारे बोलो हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे वरनो रघुबर विमल यश यो नायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानके सिमरो पवन बुद्धि विद्या दयो मोह हर वो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सार जय कपीश निर्लोक राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर
Yeah.
नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कथा प्रारंभ होत है सुनिए वीर हनुमान। राम लखन जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम चंद्र की जय। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालको बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, रामायण की तीसरे दिन की कथा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन, स्वागत और पधारने के लिए धन्यवाद। आज तीसरे दिन की कथा राम जन्म कैसे हुआ उसके विषय में है। राम जन्म से प्रारंभ हो रही है। स्वयंभू मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। प्रिय बंधुओं व माताओं, यहाँ जैसे मैंने अभी पढ़ा कि देवहूति ने आदि देव समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। देखो, भगवान का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन जो उनके बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं, जो उनके महान भक्त हैं, भगवान उनको अपने माता पिता बना लेते हैं। जैसे नंद और यशोदा कृष्ण लीला में ये द्रोण और धरा के अवतार हैं। इन्होंने भी घोर तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो पूछा, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए? कहते हम आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, मैं जब कृष्ण अवतार में प्रकट होऊंगा तो बाल लीलाओं के सुख आपको दूंगा। वैसे भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी, पिता वसुदेव, माता देवकी, ये प्रश्नी और स्वतपा, इन्होंने भी घोर तपस्या की थी। जब भगवान इनके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने बोला, क्या चाहते हैं आप? कहते हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। देखो, भक्ति जो है
ये आत्मा का विषय है, ये शरीर का विषय नहीं है। आत्मा सभी में एक समान है और किसी भी आत्मा का इस शरीर में उत्थान हो सकता है। एक आत्मा मुस्लिम शरीर में थी, मुसलमान के शरीर में, उनका नाम था नजीर। उन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को लिखा। देखो कितनी दूर की समझ उनकी है। वो एक जगह लिख रहे हैं, कहने को बुसुत नंद जसोदा के आप थे। बोलो, कहने को बुसुत नंद जसोदा के आप, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरना बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहीं जिन्हें सो वो आप थे। ऐसा था बांसुरी के भजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। कोई माता पिता नहीं है। एक प्रार्थना में कहा है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान को तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्वरिणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा, विद्या धन बुद्धि सब कुछ मेरे आप। तो देवभूति माता राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने अपना पति कौन चुना? कर्दम मुनि। कहां महलों में रहना और कहां वन में रहना? अभी जब उनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ, देखा उनके मुनि के, उनके पति के सर पर जटाएं हैं और वो तपस्वी हैं। देवभूति माता ने भी जटाएं बना ली अपने सर में और बड़ी घोर तपस्या की, बड़ी तपस्या की। और भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने उनको अपनी माँ बनाया। देवभूति माता को देवभूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए और कर्दम मुनि उनके पिता हुए। तो कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता जाशूर नहीं तो जननी बांध रहे क्यों खोवावे नूर। अगर माँ जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। अभी ऐसा रिवाज हो गया, अगर किसी का बच्चा भक्त बनता है ना तो माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं, जैसे हमारा बेटा भक्त बन गया। अगर गुंडा बदमाश बनता है तो कुछ नहीं कर सकते और बोलते भी कुछ नहीं। कई हमने ऐसे देखे केस, बच्चा भक्त नहीं बनना चाहिए। पर कहा है, अगर माँ जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। अगर वो इतनी भाग्यशाली नहीं है, भक्त को जन्म नहीं दे सकती, किसी दानी को जन्म दे। अगर वो दानी को भी जन्म नहीं दे सकती, किसी शूरवीर को जन्म दे। नहीं तो जननी बांझ रहे, जन्म ही ना दे किसी को क्यों खोवावे नूर। तो माता पिता को तपस्या करनी चाहिए। पुत्र, आज पुत्र कोई नहीं चाहता, लड़का चाहते हैं। पुत्र का क्या मतलब है? पूर्ण नाम नरक का है, त्रा जो उसमें से निकाले उसे पुत्र कहा है।
एक रानी हुई, उस रानी का नाम था मंदालसा। महारानी मंदालसा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। आप नहीं जानते कि क्या किया जा रहा, आप हिंदुओं की संख्या घटाई जा रही है और हिंदू बड़ी खुशी से संख्या घटा रहे हैं। महारानी मंदालसा महारानी थी, 7 पुत्र जन्मे उसने। और धृतराष्ट्र थोड़ा था तो बेचारा दुष्ट बुद्धि का, 100 पुत्र और 1 कन्या थी धृतराष्ट्र की, गंधारी से 100 पुत्र थे। तो पहले रहा 2 या 3 बस, फिर आगे हम 2 और हमारे 2 भी 1 पर आ गए हैं, ये ठीक नहीं। स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए, अगर संतान नहीं चाहिए तो संबंध नहीं होना चाहिए। पशु ऐसा करते हैं, मनुष्य शरीर में आकर अगर हमने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो भाई नरक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे संत जो यहाँ विराजमान हैं ये चाहते हैं कोई नरक में ना जाए, पर अगर हम नरक में जाने वाले काम करेंगे तो संत कैसे बचाएंगे। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तो महारानी मंदालसा 6 पुत्र उसने जन्मे। जब उसका पुत्र 7 वर्ष का होता था उसके कान में वो माता एक मंत्र फूंकती थी। क्या मंत्र? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जतोसि संसार सपनम तज मोह निद्रा। मंदालसा मा क्या मोवच्य पुत्र, मेरे पुत्र तो शुद्ध बनो, भक्त बनो भगवान के, ये संसार स्वप्न है, मोह निद्रा को छोड़ दो। ये मंदालसा का वाक्य अपने पुत्र के लिए, मंदालसा वाक्य मोवाच पुत्र। 6 पुत्र जब मन में भेज दिए महारानी मंदालसा ने और 7वें को भेजने लगी, 7 वर्ष की अवस्था में पुत्र को वन में भेज देती थी। तो राजा कहता है देवी अगर तुम इसको भी वन में भेज दोगी मुझे भी तो वन में जाना है, मैं राज किसको सौंपूंगा, कृपया इसको रख दो। 7वें पुत्र को रखा गया, उसको राजा बनाया गया और राजा भी पुत्र को राज सौंप करके वन को चला गया। जीवन का उद्देश्य संसार से परिवार से चिपके रहना नहीं है, क्यों? यहां से हमको जबरदस्ती निकाला जाएगा, यमदूत हमारे गले में यम फांस बांध करके जबरदस्ती हमको यहां से निकाल लेंगे, हमारी आत्मा को। हमें संसार से विराग उत्पन्न करना है, लेकिन जीवन भर हम संसार से चिपके रहते हैं। भगवान प्रयास करते हैं हमारा मार्गदर्शन करने का, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, शरीर वृद्ध हो जाता है, लेकिन जीव नहीं समझता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान उसे संकेत दे रहे हैं, भाई संसार तेरा घर नहीं है, तू यहाँ का नहीं है, तू ये शरीर नहीं है। गीता में भगवान ने कहा ना, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव जो हैं मेरे अंश हैं, हम सभी जीवात्माएं हैं, ये शरीर आज है और कल नहीं। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। एक गुरुमुख सिद्धार्थ जी एक सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करते करते शरीर छूट गया उनका, अमेरिका में छूटा। क्या जीवन का भरोसा है? इसलिए कहा है नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का।
भजन के शब्दों की ओर ध्यान दें, एक एक शब्द बड़ा विचारने का है। निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, निकलता है सड़कों में फैशन लगा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, पिटारा है ये एक भरा गंदगी का, पिटारा है ये एक भरा गंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, सजाए भवन बिछा कर गलीचे, सजाए भवन बिछा कर गलीचे, सदा साथ दे नहीं आदमी का, सदा साथ देते नहीं आदमी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, चला कर के दिल में दया का फुहारा, चला कर दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। शब्दों की ओर ध्यान दें, भजन के आखिरी शब्द हैं। उम्र देख पल पल
घटी जा रही है उमर ने तो पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा भगवान की। इस भजन के शब्द बड़े विचारणीय हैं। निकलता है सड़कों पर फैशन लगाकर, हमारी माताओं को थोड़ी आदत है फैशन करने की, लेकिन भाइयों को भी आदत पड़ गई फैशन करने की, भाई लोग भी फैशन में लग गए। एक बार हम शिकागो की बात है, घर में गए तो मैंने कहा कहाँ है, कहते वो तैयार हो रहे हैं, थोड़ी जल्दी थी, मैं कहाँ तैयार है, कहते ऊपर। मैं चला गया कमरे में, देखा क्या स्प्रे हो रहा है, बालों को संवारा जा रहा है, ये शरीर क्या है, कहाँ है ना। निकलता है सड़कों पर फैशन लगाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजाकर, बड़ा तन सजाकर अकड़ता है, अहंकार हो जाता है, पिटारा है यह एक बड़ा गंदगी का। इसके नौ द्वार हैं, नौ द्वारों में से गंद निकलता है, अंदर भी गंदी गंद भरा है इसके। इस शरीर को मत सजाओ, इसके अंदर आत्मा की सजावट करो, ये संदेश है। आत्मा की सजावट तो बस प्रभु भक्ति से होगी, कृष्ण की शरण में आने से आत्मा की सजावट होगी। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा का संबंध संसार से नहीं है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, श्री कृष्ण से है, यही संदेश है। ये जो मल मूत्र का भरा हुआ शरीर है ना, इससे प्रेम मत करो, प्रेम करो भगवान राम से, प्रेम करो कृष्ण से। जो हमारे माता पिता हैं, वो जो हमारे बंधु सखा हैं, सब कुछ हमारे भगवान हैं। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदा पिता, मैं सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। कृष्ण हमारे पिता हैं, राम कृष्ण दोनों एक हैं, कोई भेद नहीं है, उनसे प्रेम करो, ये संदेश है। हमने बड़े सुंदर बगीचे लगा दिए, घर को बड़ा सजा दिया, गलीचे बिछा कर, पर कब तक, थोड़े समय तक, ज़्यादा समय नहीं। सदा साथ देते नहीं आदमी का, ये सदा के लिए आदमी का साथ नहीं देते। फिर आगे के शब्दों की तरफ ध्यान दो, चला कर के दिल में दया का फवारा, दिल में जिसने दया का फवारा चलाया, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, इसने दीन दुखियों को सहारा दिया, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का। देखो बच्चे, सबसे बड़ा भलाई का काम क्या है, आज अगर आपने एक भूखे को भोजन कराया, कल वो फिर भूखा मरेगा, आज अगर एक बीमार को आपने दवाई दी, कल वो फिर बीमार हो सकता है।
सबसे बड़ा भलाई का काम क्या है? हमारे गुरुदेव समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति बीमार हो गया, क्या बीमारी होगी उसको? उसको अंग्रेजी में कहते हैं अमनीशा। अमनीशा हैं? क्या मतलब उसका? भूल जाते हैं। डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, तो उनको बीमारी, भूल जाता है कि मेरा पिता बड़ा करोड़पति है, घर से चला जाता है और भीख मांगता है, पेट लगा है, पेट तो भरना है, वो भीख मांगता है और भटकता है जगह जगह। किसने उसको देख लिया, भाई ये तो करोड़पति आदमी का बेटा है, ये भीख मांग रहा है, वो उसको पकड़ कर चल मेरे साथ, उसको ले जाता है और उसके पिता से मिला देता है। पिता भी खुश, हो मेरे बेटे को कहां से ले आए तुम, और बेटा भी खुश। भलाई का काम कि हम अपने पिता कृष्ण से, राम से अलग हो गए हैं। ऐसे संत हमको भगवान से मिलाते हैं, संत हमको राम से मिलाते हैं, कृष्ण से मिलाते हैं, ये सबसे बड़ा भलाई का काम है। समझाई सबको? नहीं। अगर ये काम हमने खुद नहीं किया या किसी संत के माध्यम से नहीं कर पाए तो भैया जीवन व्यर्थ है। ये जीवन फिर व्यर्थ है, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। हमको नरक में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और बड़ा कष्ट होगा। संदेश ये है कि नरकों में कोई ना जाए, सब भगवान के पास जाए। तो भगवान के पास जाने के लिए देखो, एक और उदाहरण दिया है हमारे गुरुदेव ने। मछली को पानी से निकालो आप, उसको बड़े सुंदर एयर कंडीशन कमरे में रख दो, सुंदर बिस्तरा उसको दे दो, नोटों का ढेर लगा दो उसके पास, खाने पीने का सारा सामान रख दो, लेकिन वो मछली तड़फेगी। मछली का जीवन पानी में है। जैसे मछली का जीवन पानी में है, हमारा जीवन राम जी के चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है। अगर हम उनके चरणों में, उनकी सेवा में आ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, अगर उनकी सेवा में नहीं आए तो जीवन विफल है। भाई भौतिक दृष्टि से बड़ा धन संपत्ति हो गया, एक अमेरिका का बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसका नाम था जॉन पॉल गेटी। जॉन पॉल गेटी जो था दुनिया में सबसे अमीर आदमी था। उसके पास प्रेस वाले गए और उसको पूछते हैं, तो दुनिया में सबसे अमीर आदमी हो, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है? वो क्या कहता है? कहते मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर सकूं। ऐसी बीमारी लगी थी उसको, पेशाब ही नहीं कर सकता था। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए, जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। इस दुनिया को बनाने में हम लगे हैं, दुनिया किसकी बनी है? जब जाएंगे ना, दुनिया में बहुत कुछ किया ना हमने, दुनिया में काम हजार किए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, कभी जीता कभी हार गया, तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना ना सका। दुनिया किसकी बनी है आज? और भगवान को तो हम भूल गए हैं, भगवान को हमने छोड़ दिया है। संदेश ये है, एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम दुनिया में हैं,
तब तक भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हम अपना बना लें बस। कल जो भजन सुनाया था ना आपको हमने, मोहन से प्रीत लगा लो तुम आज हरी गुण गा लो, मोहन से प्रीत लगा लो। राम जी से प्रेम करने से क्या होगा? भव सागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो, भव सागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो, मोहन से प्रिय लगा लो तुम आज हरी लगा लो, मोहन से भवरूपी इस संसार को भव सागर कहा है, इस भवरूपी सागर से अपनी नैया को पार करना है। वो राम जी से प्रेम करने से पार होगी, कृष्ण भगवान से प्रेम करने से नैया पार होंगी। इसलिए कहा है पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे गिर जाए, कितना बड़ा वो तैराक है, तैरने वाला है, कितना तैरेगा? 1 किलोमीटर 2, 3, 4 समुद्र की तो लंबाई चौड़ाई, वो तैर कर किनारे नहीं लग सकता। अगर ऊपर से कोई उसको उठाए तो बच सकता है। ऊपर से हमें राम जी उठा सकते हैं, कृष्ण उठा सकते हैं, गौर भगवान उठा सकते हैं। इसलिए उनका भजन करो भाई, अपनी मूर्खताओं को त्याग करो, बुराइयों को छोड़ो और भगवान का भजन करो। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण Yeah.
का काम क्या है? जो अपने मां बाप को भूल गया है उसको उसके मां बाप से मिलाना। हमारे मां बाप कृष्ण हैं, राम हैं, प्रभुपाद जी जैसे संत हमको यही संदेश दे रहे हैं, भगवान की ओर मुड़ो, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। यही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर को पाकर हमारे एक आचार्य कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। बोलो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म पाकर के राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या किया? जानिया सुनिया विष खाइनो, जान बूझ कर तूने जहर खा लिया, इसलिए कृष्ण का भजन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम।
जट संजीवनी लाए हनुमान, जट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम, पतिता पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बंधुओं, दूसरों का भला जो है उसको भगवान की ओर मोड़ने में है। हमारा मन तो इस संसार में लगा है, लेकिन याद रखो इस संसार से कुछ नहीं मिलना। खाली हाथ आए थे, बंद हाथ आए के खुले हाथ जाएंगे। कुछ मिल सकता है तो भगवान की शरण में, भगवत शरण में, राम शरण में मिल सकता है। इसलिए सभी को राम जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना चाहिए। भजन के आखिरी शब्द, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र घट रही है हमारी उम्र। अभी देखो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उम्र को बिना कुछ प्रयास किए उम्र घटती जाए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक उम्र घट रही है। जैसे कल का दिन हमारे जीवन से मर गया। हमारे गुरुदेव कहते थे, प्रभुपाद हमारी रोज मृत्यु हो रही है। रोज कैसी मृत्यु हो रही है? जैसे कल का दिन हमारे जीवन से मर गया, वो दोबारा नहीं आएगा। और आखिरी मृत्यु कब होगी? जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी। प्रिय बंधुओं, वो माताओं, वो यहां कहा कि उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, धीरे धीरे मृत्यु निकट आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, घड़ी का इशारा समझ ले। घड़ी का जब टिक होता ना, टिक 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 टिक, हमारे जीवन में टिक टिक हो रहा है, उम्र कम होती जा रही है। एक और बड़ा सुंदर शब्द कहे हैं, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, नारायण अब चेत,
समय चला गया, थोड़ा सा बाकी है, अभी हम जागे, आंखें खोलें। नारायण अब चेत, काल चरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। एक खेत में घास उगा है, कुछ पशुओं को छोड़ दो, चर के साफ कर देंगे उसको। इसी प्रकार हमारा आयु रूपी खेत जो वो कम होता जा रहा है। जागो जागो, आंखें खोलो, भगवान राम की शरण में आओ, भगवान कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो देवहूति माता ने कपिल भगवान को अपने घर में धारण किया था। माता देवहूति धन्य हैं जिन्होंने एक राजकुमारी होते हुए घोर तपस्या की, भगवान उनकी तपस्या पर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें अपनी जननी बनाया, माता बनाया। होए न विषे विराग भवन बसत बाचो तपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से विराग नहीं होता। उनके मन में दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी पुत्र को राज्य सौंप कर नेमी शरण में चले गए। इस प्रकार तप करते हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वायु का आधार भी छोड़ दिया। घोर तप किया और 10,000 वर्ष तक वायु भी नहीं ली, वायु का आधार छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार उनके पास आए। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। नील सरोर हु नील मनी नील नील धर श्याम, लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नील मणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा रहे हैं। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। मनु और शत्रुपा को भगवान कहते हैं बहुत बड़ा दानी मानकर। तो सबसे बड़ा दानी कौन है, भगवान बता रहे हैं खुद। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर नागर नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलिया मनुष्य चोला ओदी कंचन है काया एदी
प्रीत जो लगाएगा आपे तारे जाएगा आपे तारे निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशु वे नराणाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशु वे समानम। खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना ये मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। और जो धर्म का पालन नहीं करता मनुष्य शरीर में वो पशु के समान है। धर्मे नाही ना पशु के समान। आज का मानव पशु बनता जा रहा है। संदेश ये है हम धर्म का पालन करके मनुष्यता का व्यवहार करें मनुष्य बने। पशु के लिए कोई धर्म नहीं है कोई नियम नहीं है लेकिन पशु भी नियमों का पालन करता है। लेकिन आज का मानव भटकता जा रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान ने राम जी ने बड़ी कृपा करके ऐसे संत भेजे हैं प्रभुपाद जी जैसे संत जिन्होंने सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर दिया। ऐसे संतों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाओ इनके बताए हुए मार्ग पर चलो हमारा जीवन जरूर सफल होगा इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान सबसे बड़े दानी हैं। इन्होंने ये मनुष्य का शरीर हमको दिया है। कंचन है काया यदि कदर जो पाएगा इसकी कदर ये है इसके द्वारा हम भक्ति करें राम की। भक्ति श्री राम की कर ले भक्ति भगवान की कर ले खजाना नाम से भर ले इस शरीर की कदर तभी है जब हम भक्ति करेंगे। अगर हम भक्ति नहीं करते ना तो इस शरीर का दुरुपयोग हो रहा है। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
दर्शनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। आखिर में भगवान के चरणों में समर्पण। तो भगवान ने मनु और शत्रुपा को कहा, जो आपके मन में चाहे वो मांग लो, मैं वही आपको दूंगा। प्रभु के वचन सुनकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। मनु जी ने कहा, राजा की प्रीति देखकर करुणा निधान भगवान बोले, हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूं। भगवान के समान कोई दूसरा नहीं। एक नाम है भगवान का असमौद्र, असमौद्र, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं। दूसरा कहां खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हे राजा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सरस्वती, वेद, शेष जी, संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, देखिए श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, नाथ आपके चरणों में मुनि, सिद्ध और देवता भाई से व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता व पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक स्नेह करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि, सिद्ध एवं देवताओं, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित अवतार लूंगा। जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर एवं गुणों के भंडार थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत एवं पति के अनुकूल थी। श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा ने अपना दुख गुरु को सुनाया। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति भाव सहित आहुतियां देने से अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। राजा ने कौशल्या को आधा भाग व आधे को दो भाग किए। वह राजा ने ककेई को दिया तथा शेष के दो भाग कर सुमित्रा को दिए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चैतन्य सब हर्ष से भर गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिहित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिहित हरि प्रीता, मद दिवस अति शीत न धामा, मद दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम।
महीना था नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी ना धूप थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। देवता हर्षित थे। जब ब्रह्म जी ने वह अवसर जाना तो देवताओं समेत प्रभु की विनती करके अपने अपने लोकों में चले गए। तब समस्त लोकों को शांति देने वाले प्रभु प्रकट हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुन मानो ब्रह्मानंद में समा गए, शरीर पुलकित हो गया। फिर राजा ने नंदी मुख करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए। ब्राह्मणों को गौ वस्त्र और मणियों का दान किया। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। सब लोग अनंत मगन हैं। ककेई और सुमित्रा इन दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलो राम लखन भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के सागर व सुख की राशि हैं, इनका नाम राम है। बोलो रामचंद्र भगवान की। नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं भगवान का। जो सुख का भवन व संपूर्ण तीनों लोकों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है। बोलो भरत जी महाराज की। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की। जो शुभ लक्षणों के धाम राम जी के प्यारे एवं सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय। याद रखो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। सारे विष्णु तत्व हैं ये। गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय बाल लीला रस में सुख माना है। तो अभी भगवान की छोटी सी बाल लीला का कुछ दिखाएंगे आपको। वहीं बैठे बैठे आप देखिए। इसको आ रहे हैं जो ये दोनों इनके लागे या हो गया वो श्री युगल किशोर शर्मा एक्स एमएलए एक्स चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और उनके साथ श्री संदीप शर्मा जी
इनका मंदिर की ओर से स्वागत है, आप सब स्वागत कर दो इनका। ओम श्री गणेशाय।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो राम लला की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी बड़ी संक्षेप में बड़ा सुंदर आपने देखा भगवान राम जी की लीला, बाल लीला। एक बार क्या हुआ, नव नील सरोवर शिशि श्री राम एक मदारी को बंदर नचाते हुए देखकर बंदर के लिए मचल गए। जब भगवान बाल रूप में थे, एक मदारी बंदर को नचाता है, ये तो पुरानी बातें चली आ रही हैं, राम जी के समय में भी था। भगवान कहे मुझे बंदर चाहिए बाल रूप में। बहुत से बंदर मंगाए गए किंतु किसी से लाल की ललक जो है मिटी नहीं। तब श्री वशिष्ठ जी बुलाए गए, वशिष्ठ जी को बुलाया, उन्होंने ध्यान धर कर देखा प्रभु किस बंदर की इच्छा करते हैं। ध्यान में शिव अवतार श्री हनुमान जी आए। मंत्रीवर सुमंत को बुलाकर कहा कि ये अंजना नंदन को पाकर संतुष्ट होंगे। सुमंत जी जाकर अंजना से हनुमान को मांग कर लाए। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम लला को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वही करते। तो देखो बाद में भी भेंट हनुमान जी से राम जी की हुई जब भगवान वनवास में थे, लेकिन बाल रूप में भी जब भगवान थे तब भी वो हनुमान जी उनसे मिले थे। हनुमान जी बाल रूप में थे, हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, शंकर भगवान हैं। तो राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान हैं। राम भक्त राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की लक्ष्मण जान की। राम लक्ष्मण जान की।
जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, राम जी को पाना है। राम जी कैसे मिलेंगे? उनके भक्तों की कृपा से। भक्तों ने अगर सिफारिश कर दी, भक्तों की कृपा अगर हम पर हो गई और हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, भगवान ने हनुमान जी के बारे में कहा है, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। हनुमान जी ने बड़ी सेवा की रामचंद्र जी की, जब वनवास में भेंट हुई उनसे, तो हनुमान जी की कृपा की याचना करो। हमें क्या सिखाया हमारे गुरु महाराज ने और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, गोपी भरत पद कमलेर दास दासानुदास। हम ना भगवान के दास बनने का प्रयास करते हैं, हम उनके दासों का दास बनने का प्रयास करते हैं। अगर हम दासों के दास बन गए तो भगवान के भी दास बन पाएंगे, अगर दासों के दास नहीं बने तो भगवान के दास नहीं बन सकते। भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें भगवान ने भक्तों का ही पक्ष लिया। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, सारे आप सब अच्छे हो और अच्छे बनो, भक्त बनो, जीवन सफल करो। भक्ति से ही जीवन सफल है, और किसी तरीके से जीवन सफल नहीं, बाकी और तरीके से जीवन विफल है। ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें राज ऋषि समझते हैं, ये पुनः तप में जुट गए, परंतु अब की बार का तप राजा त्रिशंकु को सहशरीर स्वर्ग भेजने में खर्च हो गया। अयोध्या नरेश त्रिशंकु ने स्वर्ग जाने की कामना से गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराने को कहा, परंतु इसे विधि विधान के प्रतिकूल जानकर वशिष्ठ जी ने अस्वीकार कर दिया। तब त्रिशंकु श्री वशिष्ठ पुत्रों के पास गए, परंतु वे भी इनकार कर गए। तब राजा ने किसी अन्य पुरोहित को वरण करने की धमकी दी, तो वशिष्ठ पुत्रों ने कुपित होकर राजा को चंडाल हो जाने का शाप दे दिया। अब चंडाल भाव को प्राप्त राजा त्रिशंकु विश्वामित्र जी की शरण गए। विश्वामित्र जी ने राजा को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। श्री वशिष्ठ जी के पुत्र एवं महोदय नाम के ऋषि ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया, तो इन्होंने शाप देकर उन्हें भस्म कर दिया और आए हुए ऋषियों द्वारा यज्ञ आरंभ कर दिया। परंतु विधि पूर्वक अनुष्ठान होने पर भी देवता यज्ञ भाग लेने के लिए नहीं आए। तब ये अपने तपोबल से त्रिशंकु को सहदे स्वर्ग भेजने लगे, परंतु त्रिशंकु की अनाधिकारी चेष्टा पर खींच कर देवराज इंद्र ने उसे स्वर्ग से ढकेल दिया। तब विश्वामित्र जी राजा को अंतरिक्ष में ही रोककर अपने तपोबल से दूसरे स्वर्ग की सृष्टि करने लगे। यह देखकर ऋषि मुनि देवताओं ने आकर अनुने विनय कर इनको इस कार्य से निवृत्त किया। विश्वामित्र जी को अपने इस तप क्षय से बड़ी गलानी हुई और वे उस स्थान को छोड़कर
पुष्कर तीर्थ में जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों राजा अम्बरीश का यज्ञ पशु इंद्र द्वारा लिए जाने पर पुरोहितों ने जब उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को लाने के आज्ञा दी तो राजा अम्बरीश महाराज महर्षि ऋषि के मझले पुत्र शुनि शेप को 100,000 गौ एवं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद कर घर की ओर ले चले। रास्ते में पुष्कर तीर्थ पड़ा। यहाँ अपने मामा विश्वामित्र जी को तप करते देखकर शुनि शेप अपनी प्राण रक्षा के लिए इनकी शरण में गया। विश्वामित्र ने दयाद्र होकर अपने तपोबल से शुनि शेप को इस विपत्ति से बचाया। यज्ञ देवता इंद्र और उपेंद्र ने बिना बलि लिए ही राजा को पूर्ण काम होने का वर दे दिया और शुनि शेप को दीर्घायु होने का वर दिया। एक बार का तप ऐसे चला गया। विश्वामित्र जी ने पुनः 1,000 वर्ष तप किया तो ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें ऋषि पद प्रदान किया। पुनः तप में लगे परंतु अब की बार का तप मेनका अप्सरा के मोह जाल में फंस जाने से नष्ट हो गया। देखो मेनका मेनका नाम अप्सरा जो है वह उसने विश्वामित्र जी का तप भंग कर दिया। बड़े बड़े तपस्वी गिर जाते हैं पर अगर कोई भक्त बनता है ना इसी कलयुग में महाप्रभु के समय हरिदास ठाकुर हुए। हरिदास ठाकुर यवन कुल में प्रकट हुए और वे उनके पास एक वैश्या भेजी गई। 3 दिन तक वो वैश्या उनके पास बैठी रही। 3 दिन के बाद वो वैश्या भी भक्त बन गई। तो भक्त अगर कोई बनता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृति माशित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिमभ्यम। ये पार्थ जो महात्मा मेरा भक्त बन जाता है मेरी देवी प्रकृति के अधीन यानी कि राधा जी के अधीन हो जाता है। भक्त का ध्यान राधा रानी रखती हैं। तपस्वी गिर सकता है। अभी देखो हरिदास जी यवन कुल में प्रकट हुए। बहुत बड़ा नाम है हरिदास जी का लेकिन वैश्या 3 दिन तक उनके पास बैठी रही। वो भी उनकी कृपा से भक्त बन गई। उसको फिर दीक्षा दी उन्होंने और उस वैश्या ने आगे कई भक्त बनाए। वो भक्त शिरोमणि हो गई। तो संदेश ये है कि सभी भक्त बनो भगवान के। भक्ति भगवान की कर ले पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले है। जब तलक सांस तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण
कृष्ण की कर ले। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा राम का नाम है विश्वास कीजिए। भक्ति श्री राम की कर ले, भक्ति श्री रहता हूं। बड़े प्रसंग हैं, इसलिए मेरी प्यारी माताओं, बाहरी भक्तों, सब भक्त बनने का प्रयास करो, और कुछ बनने का प्रयास मत करो। हमारे गुरुदेव कहते थे, ये जो संसार की वस्तुएं हैं, एक उदाहरण दिया उन्होंने, अगर किसी के पास 1,00,000 रुपया आ जाता है, उसको 10 रुपए की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संसार की वस्तुएं 10 रुपए हैं, भक्ति 1,00,000 रुपया उदाहरण दिया है। इसलिए सभी भक्ति करो भगवान की, और विशेष करके नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। फिर भी मेनका के साथ उनका पतन हो गया। हरिदास इसी कलयुग में हुए, जिनके पास वैश्या बैठी रही 3 दिन,
जब वेश्या को एक ने कहा ये मुसलमान है, हिंदू खुदा का नाम लेता था, मुसलमानों का राज था भारत में, इसकी कलई खोलो। वेश्या कहती है, नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सन्यासी बन गए, मैं इसको एक दिन में ठीक कर दूंगी। 3 दिन तक वैश्या आती रही, भक्त का संग कितना है प्रभावशाली। हरिदास जी के संग में वह भक्त बन गई, हरिदास जी के संग में वह वैश्या परम भक्त हो गई। ये है भक्तों का प्रभाव। इसलिए भक्त बनो भगवान के। भक्ति भगवान की कर, भक्त और भगवान की। परंतु अब की बार का तप मेनका अप्सरा के मोह जाल में फंस जाने से नष्ट हो गया। तब वे पुष्कर छोड़कर हिमाचल पर जाकर तप करने लगे। महर्षि विश्वामित्र 1000 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी इन्हें महर्षि कहकर चले गए। इन्होंने फिर तप प्रारंभ किया। अब की बार इनका कठिन तप देखकर इंद्र ने भयभीत होकर रंभा अप्सरा को तप भंग करने के लिए भेजा। इसे देखकर विश्वामित्र जी के को काम का संचार तो नहीं हुआ, परंतु क्रोध आ गया। इन्होंने उसे पाषाण हो जाने का शाप दे दिया। तप नष्ट हो गया, इससे इनको बड़ा क्षोभ हुआ। अब इन्होंने निश्चय किया कि जब तक हमें ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए बिना श्वास लिए खड़े होकर तप करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ये पूर्व दिशा में जाकर 1000 वर्ष तक घोर तप किए। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु काम क्रोध आदि इनके मन में नहीं घुसने पाए। व्रत पूर्ण होने पर ज्यों ही अन्न भोजन करना चाहा, इंद्र ने विप्र रूप धरकर उस अन्न को मांग लिया। इन्होंने सहर्ष दे दिया और पुनः श्वास खींचकर तप में लग गए। इनके मस्तक से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। तब देवता डरकर ब्रह्मा जी के पास गए कि आप शीघ्र उनको उनके मनोरथ को पूर्ण करें। बातें कौन कर रहे? इनके मनोरथ को पूर्ण करें, अब उनमें कोई विकार नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने आकर इन्हें ब्रह्म ऋषि पद प्रदान किया। सभी देवताओं एवं ऋषियों ने भी इसे स्वीकार किया, परंतु श्री वशिष्ठ जी अब भी इन्हें अधिक से अधिक महर्षि कहते। विश्वामित्र जी यह नहीं समझ पाते कि अब हम में क्या कमी है। परिणाम यह हुआ कि इनके मन में पुराना बैर पुनः भटक उठा और
अंतोत्व गत्वा ये वशिष्ठ जी को मार डालने का निश्चय कर रात्रि के सुनसान में अवसर की प्रतीक्षा में आश्रम के समीप छिप गए। उसी समय श्री अरुंधति जी ने कहा, हे प्रभु, देखिए कैसी निर्मल ज्योत्सना छिटक रही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे आजकल विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज समस्त दिशा विदिशा को आलोकित कर रहा है। अरुंधति जी परोक्ष में श्री वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी के श्रीमुख से विश्वामित्र जी की प्रशंसा सुनकर विस्मित होकर पूछी, नाथ, तो फिर आप उन्हें ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं मान लेते। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, इनमें अब विकार तो कोई नहीं रहा, परंतु अस्त्र शस्त्रों का धारण करना उन्होंने नहीं छोड़ा है। जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। विश्वामित्र जी यह सब सुन रहे थे, उन्होंने अब अपनी भूल मालूम हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। अहो, धिक्कार है मुझे, जो कि मैंने ऐसे महापुरुष के प्रति दोष बुद्धि करके बद का तक का दुस्संकल्प कर डाला। फिर तो विश्वामित्र जी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र उतार फेंके और दौड़कर श्री वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री वशिष्ठ जी वेदिका से उतरकर, उठिए ब्रह्म ऋषि जी, यह कहते हुए उन्हें दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिए। भगवान श्री राम ने इन्हें भी श्री वशिष्ठ जी की ही तरह गुरु का गौरव प्रदान किया। ये श्री गंगा जी के तट पर स्थित सिद्ध आश्रम बिहार प्रांत में, वर्तमान में जिसे बक्सर कहते हैं, में वास करते हुए जप योग यज्ञ आदि द्वारा भगवान की आराधना करते थे। उन दिनों राक्षेंद्र रावण का बल पाकर मारीच सुबाहु पर्वती राक्षस इनके आश्रम में भी बहुत उपद्रव करते थे। यद्यपि ये शाप के द्वारा उनको नष्ट करने में समर्थ थे। प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री बात को याद रखो, जब भगवान राम थे ना, तब रावण था, बड़े राक्षस थे, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, मारीच सुबाहु, खरदूषण, अनेकों राक्षस। जब कृष्ण भगवान थे तो कंस था। अभी कलयुग में तो राक्षसों की भरमार हो रही है, राक्षस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का खान पान ठीक नहीं रहा। लोग मांसाहार मदिरा पान कर रहे हैं। जहाँ मांसाहार मदिरा पान होता है वहाँ व्यभिचार होता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। कई बार लोग बिना मांसाहार मदिरा पान के व्यभिचार में लगे रहते हैं और बुद्धिहीन हो जाते हैं। तो कलयुग में कृष्ण की, राम की बड़ी कृपा है, उन्होंने प्रभुपाद जी जैसे संत भेजे हैं हमारी बुद्धि को ठीक करने के लिए। तुम्हारी बुद्धि ठीक कैसे होगी? चार नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं, आप सब उनका पालन करते होंगे मुझे पूरी आशा है।
जो कोई नहीं करता हो वो जरूर करे। मेरी करबद्ध प्रार्थना आप सबसे है। पहला नियम, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना। केवल लोग कहते हैं प्याज लहसुन में क्या कमी है, प्याज लहसुन वाला भगवान को भोग नहीं लगता। ऐसा कहा है, भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। आगे ही हमारे सरों पर इतने पाप हैं, और पापों को हम ना बढ़ाएं। हम लोग प्याज लहसुन का सेवन ना करें, जो खाएं पहले भगवान को भोग लगाएं। राम को लगाओ, कृष्ण को लगाओ, गौरांग महाप्रभु को लगाओ, एक ही बात है। जेई गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौर हैं वही कृष्ण है वही जगन्नाथ है। दूसरा नियम, कोई नशानी जिसमें सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफी भी नहीं। लोग कहते हैं चाय काफी में क्या दोष है, चाय में यही दोष है जो तुम छोड़ नहीं सकते उसको। एक बार हम यहाँ कोई शिवाला है अमृतसर में, वहाँ सत्संग था, तो एक माता दूसरे को ले आई, कहते महाराज जी मैंने उनको समझाया ये आपके शिष्य बनेंगे। मैंने कहा नियम, कहते सारे नियम बता दिए इनको। मैंने पूछा उसको नियम, मैंने खुद ही बताया। मैंने कहा मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, प्याज लहसुन खाने छाट देंगे। नशा मैंने कहा सिगरेट बीड़ी तम्बाकू प्राण शराब चाय, चाय काफी का नाम लिया तो भाग गई वो, कहते ए नहीं मैं छोड़ सकती। कल को शरीर छोड़ना है पर चाय का भी नहीं छूट रही। लेकिन ये जो संत बैठे हैं यहां पर, बोलो संत शिरोमणि प्रभुपाद जी महाराज की जय। इन्होंने उन लोगों की चाय काफी छुड़ाई जो शराब को पानी की तरह पीते थे। शराब पीना बुरा ही नहीं मानते, वो पानी की तरह शराब को पीते थे। इनकी कृपा से आज लोग चाय काफी भी नहीं पीते। इनका प्रभाव देखो, ऐसे संतों की शरण में आओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं अहमदाबाद में था तो वहां पर एक चाइनीज ग्रुप आया, चाइना में भी इनकी कृपा से प्रचार हो रहा है। तो उस ग्रुप के लीडर की चाइनीज माता थी, तो उन्होंने बोला आप थोड़ा लेक्चर करो हमारे इनको, तो लेक्चर किया। वो माता मुझे बाद में कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा भाई बहुत मांस खाता है। तो बातें चली, वो कहती है हम चाइनीज दो चीज़ें नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं। मैंने कहा क्या नहीं खाते, कहते एक उड़ने वाला जहाज और एक समुद्री जहाज, बाकी सब खाते हैं। कुत्ते बिल्ली छिपकली गधा सब कुछ चाइनीज लोग खाते हैं। आज वो चाइनीज प्याज लहसुन नहीं खाते, ये इनका प्रभाव, संतों का प्रभाव। बोलो प्रभुपाद जी महाराज की। और ये मत सोचो आज नहीं है, आज भी यहीं पर है। जैसे विग्रह रूप में भगवान को पूछते हैं, हरि न जन हरि जीवा, जो हरि के भक्त हैं वो हरि जैसे हैं। हरि तो हरि ही हैं पर उनके भक्त उनके जैसे होते हैं। तो इन्होंने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया सनातन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो इन संतों की शरण में आओ, नियमों का पालन करो। दूसरा नियम जो है, कोई नशा नहीं, चाय काफी भी नहीं पीनी। चाय में क्या दोष है, एक टैनिन नाम की औषधि ड्रग डाली जाती है, टैनिन और कैफीन, जिसे आदत बन जाती है उसकी। आज कई बीमारियां चाय काफी ने पैदा की हैं। अंग्रेज जब भारत में आए उन्होंने कहा इनकी आदतों को बदलो। चाय काफी अंग्रेजों ने फ्री में पिलाई, सिगरेट फ्री में पिलाए, शराबें बिस्की रम फ्री में पिलाई, फ्री में पिलाकर आदत लग गई, खुद पैसे लेके पियो अभी। तो चाय काफी का सेवन नहीं, प्याज लहसुन नहीं। तीसरा नियम, ये अंग्रेजों का कल्चर हमारा कल्चर नहीं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इसको बंद करो, ये ठीक नहीं। मेरी माताओं से निवेदन है बच्चियों को संस्कार दो, बच्चियों को विदेशी कपड़े मत पहनाओ। कितने कांड आज हो रहे हैं, कौन सा अरुषी कांड था बहुत बड़ा है, 14 साल की लड़की का कत्ल हो गया। अनेकों कांड कुछ तो सामने आते हैं, कुछ उजागर नहीं होते। मेरी निवेदन माताओं आप सबसे करबद्ध ये है,
बच्चियों को अच्छे कपड़े पहनाओ। मैं पूछता हूँ कई बार कई माताओं को, मैंने कहा आप ऐसे कपड़े पहनती थी जब छोटी थी, कहते नहीं। मैंने इसको क्यों पहनाती हो, चुप, कोई जवाब नहीं। स्त्री का शरीर ऐसे ही पुरुष के लिए आकर्षित है, जब वो उसका ठीक तरह से ढक के नहीं शरीर को रखेगी, पुरुष और आकर्षित होगा। सारा सौदा भावना का है, हमने अपनी भावना को बढ़ाना है। अगर भावना दूषित हो गई तो कैसे बढ़ेगी और अंते नारायण स्मृति कैसे होगी। भगवान ने कहा ना कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति नसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो तीसरा नियम, अवैध स्त्री संग और अवैध पुरुष संग, ये ठीक नहीं, ये बड़ा पाप है, इसको रोको। ये विदेशियों का कल्चर वापस भेज दो उधर ही, इसको मत अपनाओ। और एक और मैं और निवेदन करूंगा माताओं से, भाइयों से, ये जो टीवी की बीमारी और एक तो मोबाइल की बीमारी लग गई हमें, सारा गंद मोबाइल में आ रहा है, हमारे बच्चे बच्चियां बर्बाद हो रहे हैं। ये जो स्मार्टफोन है क्या है, गंदगी, दुनिया का गंद उसमें दिखाया जा रहा है। हमने अपनी भावना का उत्थान करना है, अगर गंदगी की तरफ मल मूत्र की तरफ हमारा ध्यान गया तो भावना का उत्थान कैसे होगा, नहीं होगा। कृपा करके एक तो टीवी देखना बंद करो, ये मोबाइलों को कंट्रोल करो, बीमारियों के घर हैं ये मोबाइल और ये इंटरनेट। हमारे एक ने कहा वी वॉच इंटरनेट बट वी डोंट नो व्हाट वी गेट। इंटरनेट को देखते हैं पर क्या हमें मिलेगा ये हमें पता नहीं, गंध मिलेगा, भावना दूषित हो गई तो अंत में भगवान का सिमरन नहीं होगा। प्रभुपाद जी चाहते हैं हम सभी लोग अंत में भगवान का नाम लेकर भगवत धाम जाएं और भगवान की सेवा में वहां रहें, आवागमन अपना छुड़ाएं। तो प्रिय बंधुओं, तीसरा नियम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पुरुष के लिए पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। मैंने यहाँ अमृतसर में कई कांड देखे, पुरुष पर स्त्रियों से, जो शादीशुदा स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ भी विषर्म और पुरुष भी विषर्म संबंध रख रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। ऐसा मत करो भाई, घोर नरक में सड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा है अब न संभले तो रोना पड़ेगा, 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 नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। देखो सब लोग भक्ति पद को अंगीकार करके आत्मा का श्रृंगार करो, फिर बुराइयों से भक्ति प्रशानुभव
विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति में अगर आगे बढ़ेंगे ना तो पीछे विकारों से हमारा विराग हो जाएगा, भक्ति लुप्त तो होती जा रही है और विषयों से हमारा अनुराग बढ़ता जा रहा है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान। इंद्रियों का तर्पण करने के लिए नहीं, विषयों को भोगने के लिए नहीं। जो कुछ सुगुर कुत्ता भी भोगता है, इस शरीर के द्वारा हमने जो भक्ति करनी है। तो ध्यान रखिए इन बातों का। माताओं से मेरी निवेदन है, बच्चियों को संस्कार दो, बच्चों को भी संस्कार दो और इनके भविष्य को उज्ज्वल बनाओ। आप देखो, अगर आप बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो थोड़े समय के लिए बच्चा रोएगा, पर अगर उसको संस्कार नहीं देंगे तो वो जीवन भर रोएगा। संस्कार दो बच्चों को, इसमें बच्चों का भी जीवन सुखी होगा और आप भी सुखी होंगे। यद्यपि ये शाप के द्वारा उनको नष्ट करने में समर्थ थे, परंतु इससे तप हानि विचार कर मुनि जी ने मन में यह निश्चय किया कि भुवारनाथ स्वयं भगवान श्री राम अवतार लेकर अब किशोर भय में प्रवेश कर चुके हैं। विश्वामित्र जी की बात चल रही है, अतः श्री अयोध्या चलकर प्रभु का दर्शन करूं और श्री दशरथ जी से उनको मांग लाऊं। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि तुरंत चल पड़े श्री अवध को मन में मनोरथ करते हुए। भक्त भांसा कल्पतरु, भगवान ने मुनि के सभी मनोरथ पूर्ण किए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री दशरथ जी ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और आगमन का हेतु पूछा। विश्वामित्र जी ने अपना अभिष्ट निवेदन किया तो दशरथ जी ने पुत्र स्नेह वश श्री राम लक्ष्मण को देने में अपनी असमर्थता बताई, परंतु बाद में श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का संहार करने के लिए श्री राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। भगवान श्री राम जी ने यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का संहार कर श्री राम जी ने मुनियों को निर्भय किया। श्री विश्वामित्र जी ने अपने चिरकाल तप से अर्जित समस्त शास्त्र ज्ञान एवं शस्त्र रहस्यों को श्री राम जी को प्रदान किया। उन्हें राम जी ने स्वीकार किया। तत्पश्चात मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ का महान आयोजन सुनकर युगल राज कुमारों को साथ लेकर वहां के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। राम लक्ष्मण राक्षसों का वध करके विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी जा रहे हैं। रास्ते में आश्रम पड़ा। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की जिसका नाम अहल्या रखा। समस्त देवगण उसके रूप पर मोहित थे। यह देख ब्रह्मा जी ने कहा कि
जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोक सुंदरी कन्या ब्याही जाएगी। इंद्रादि समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर चले। गौतम जी ने अपने शालिग्राम भगवान की परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा जी के पास गए। ये तो देवगण जहाँ जाते वहाँ आगे महर्षि गौतम को देखते थे। सब ने इनका आगे होना स्वीकार किया। अतः वह कन्या गौतम जी को मिली। अध्यात्म रामायण में ऐसा भी प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने इस कन्या को गौतम जी के पास द्रोह रखी। बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी पुनः इनके पास आए तो इनका परम वैराग्य देखकर उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर वह लोक सुंदरी सेवा प्राण कन्या परम तपोधन गौतम जी को ही दे दी। इंद्र को यह बहुत बुरा लगा क्योंकि वह तो उसे अपनी ही सोच बैठे थे, समझते थे कि यह हमें छोड़कर दूसरे को नहीं मिल सकती क्योंकि हम देवराज हैं। उनके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर वह नित्य प्रति उसके साथ रमन करने का अवसर ताकते थे। एक दिन मुनि के बाहर चले जाने पर वह गौतम जी का रूप धारण कर आश्रम में आए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि मुनि वेशधारी इंद्र ने अहल्या से कहा कि प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूँ। अहल्या ने समझ लिया कि यह मुनि भेष में इंद्र है, फिर भी उस मूर्ख ने देवराज के प्रति कौतूहल होने के कारण उसकी बात स्वीकार की। पुनः कृतार्थ मन से उसने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं कृतार्थ हुई, अब शीघ्र यहां से चले जाइए। महर्षि गौतम जी मेरी और अपनी भी सब तरह से रक्षा करना। अहल्या के साथ समागम कर वे शीघ्रता से वहां से चल दिए। आश्रम से शीघ्र बाहर निकल जाने की चिंता में इंद्र अपना रूप धारण करना ही भूल गए। इसी समय मुनि भी वहां लौट आए। आश्रम से अपना रूप धारण किए हुए पुरुष को बाहर निकलते देख मुनि ने कुपित होकर पूछा, हे दुष्टात्मन अधम, मेरे रूप धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तब इंद्र ने कहा, काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब महर्षि ने क्रोध से उसको शाप दिया कि हे दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्र भाग हो जाएं। देवराज को शाप देकर मुनि आश्रम में आए। देखा कि अहल्या भाई से कांपती हुई हाथ जोड़ खड़ी है। महर्षि ने उसको शाप दिया कि दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर, यहां तू निराहार रहकर वर्षा और वायु को सहती हुई तपस्या कर और एकाग्रचित से श्री राम का ध्यान कर, यह आश्रम जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। हजारों वर्षों के बाद श्री राम आकर तेरी आश्रय भूत शिला पर अपना चरण रखेंगे, तब तू पाप मुक्त हो जाएगी और उनकी पूजा आदि करने पर तू शाप से मुक्त होकर मेरी सेवा पाएगी। शाप देकर मुनि हिमालय के उस शिखर पर चले गए जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं। जब भगवान श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथुनापुरी को जा रहे थे, उस समय मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या
शाबाश पत्र की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय पूज्य आरती देवा जी महाराज छियाटा आश्रम से पधारे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर बैठते लेकिन ये जाना चाहते हैं जल्दी, कहीं और कोई कार्यक्रम है इनका, तो थोड़ी देर बैठते। अच्छा थोड़ा व्यस्तता है, बाईस तक तो प्रोग्राम है यहाँ पर, प्रयास करें। अच्छा तो धन्यवाद, ठहरो ठहरो आप, ये स्वीकार कीजिए एक मिनट रुकिए। और आपका स्वास्थ्य ठीक है? आज तो मैं सभी ठीक। अच्छा ये आपके भाई जैसे लगते हैं? अच्छा हाँ, अच्छा बहन का बेटा, अच्छा परिवार का ही है। चलो आप भी ऐसा ही भेष धारण कर लो, एनु भेज दे। अच्छा शास्त्री, अच्छा पहले कितने रहते थे? अच्छा रू सही, अच्छा अच्छा चलो नहीं सरकार को तुसी हर बने नहीं तो पत्र पुष्प। धन्यवाद थोड़ा, जा हो जा। श्री राम जय राम जय जय राम, भी जल्दी में है तुझे भी जल्दी चो, थोड़ा बैठो ठीक है। लूथरा जी को जल्दी नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, विश्वामित्र जी के साथ भाई लक्ष्मण के साथ मिथिलापुरी जा रहे थे, तो वो आश्रम उनको दिखाया जहाँ पर शिला रूप में अहल्या पड़ी हुई थी।
और विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके चरणों की धूली चाहती है, इस पर कृपा करो। भगवान ने अपने चरण की धूली दी और शिला रूप अहल्या को, तुरंत उसको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ और दिव्य देह धारण की। उसने भगवान की स्तुति की और अपने पति के लोक को चली गई। उसके बाद श्री विश्वामित्र मुनि मिथिला की ओर आगे बढ़े। उसके बाद भगवान राम पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा स्नान किया, मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। तत्पश्चात महाराज जनक ने एक सुंदर महल जो सब ऋतुओं में सुखदायक था वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। रघुकुल शिरोमणि प्रभु ने ऋषियों के साथ भोजन कर विश्राम किया। प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को नतमस्तक होकर पूजा की। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गौरी पूजा के लिए भेजा था। माता मैना ने, जो सीता जी की माता थी, गौरी पूजा के लिए उनको भेजा था। सीता जी ने प्रेम पूर्वक गिरिजा की पूजा की तथा अपने सहयोग बर मांगा। एक सखी प्रेम विवल होकर सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी और प्रसन्नता का कारण पूछा तो वह कहने लगी, देखन बाग कुमर दो आए, देखन बाग कुमर दुर आए, भाई किशोर सब बांकी चुराए, भाई किशोर सब बांकी चुराए। एक सखी ने राम और लक्ष्मण को देख लिया फूल चुनते हुए। वो उनको बता रही हैं कि बड़े सुंदर दो सुकुमार आए हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए श्री राम के नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। सीता जी की शोभा देकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। सीता जी फिर भवानी के मंदिर में गईं और चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिर वर राज किशोरी, जय गिरवर जय राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र माता, आप मेरी मनोरथ को बली भांति जानती हैं क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसे प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने
उनके चरण पकड़ लिए, गौरी जी सीता जी के बिने एवं प्रेम के वश में हो गई, उनके गले की माला खिसक पड़ी और वह बोली, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य पूजे मन कामना तुम्हारे, पूजे मन कामना तुम्हारे, नारद वचन सदा जिन्होंने पहले सुंदर आपको भगवान की बाल लीला का दिखाया राम जी की, ठुमक चलत रामचंद्र, अभी स्वयंवर दिखा रहे हैं सीता स्वयंवर, दूसरी टीम है ये, दूसरी टीम है, है? ये मंदिर की टीम है, मंदिर की टीम है, तो आप लोग बड़े मंदिर की टीम देर लगा रही है, जल्दी करो बोलो, पहली वाली टीम फटाफट कर देती थी। देर लग रही है। जब तक वो आते हैं भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम। चलो अंदर को नहीं बाहर को देखो भाई, बाहर को देखो। सब देखें आपको, अंदर की तरफ नहीं, सब देखें। हरे कृष्णा। प्रभुपाद गौर निताई और महाराज की कृपा से आज हम सीता देवी का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। सीता देवी प्रदार रही हैं। शुरू किया जाए, ये धनुष बाण उठाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो चुटकी से उठा लूंगा।
दोनों इकट्ठे आओ। सभा में रघुवंशियों में से रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो तो सभा में इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। अगर मेरे भाई और मेरे गुरुदेव आज्ञा दें तो इस धनुष का क्या, ये धनुष क्या चीज है, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर उछालूं और टुकड़े टुकड़े कर दूं। लक्ष्मण शांत हो वत्स, अपना आसन ग्रहण करो। राम जाओ। लो अब ये बच्चा भी अपना परिक्रम दिखाएगा। ऐसा लगता है जैसे चिड़िया पहाड़ उठाने जा रही है। बिल्कुल श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
वाटिका में माता जानकी ने भगवान राम के दर्शन किए और उन्होंने उनकी मूर्ति को अपने हृदय में बसा लिया और पार्वती माता ने भी उनको आशीर्वाद दिया। गौरी माता ने सुनो सी सत्य आशीष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि सांचा सो बार मिले जाओ मन राचा। बैठिए बैठिए शांति रखिए। अभी सब लोग अभी थोड़ी देर में कथा समाप्त होने वाली है, बैठो नीचे और प्रसाद ऊपर सबके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध है। सब नीचे बैठो। जम्मू जा रहे हैं? तो चारों भाइयों का विवाह, महाराजा दशरथ ने अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गौदान किया। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर भाइयों के चारों भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी जनक की यज्ञशाला में आए। विदेहराज ने वशिष्ठ जी से कहा, धर्मात्म महर्षि आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री रामचंद्र के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, मेरी पुत्री सीता तुम्हारी अर्धांगिनी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो, यह परम पतिव्रता है। महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। देवताओं के निगाड़े बजने लगे और आकाश से भारी पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में ले लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो तुम अपने हाथ में श्रुति कीर्ति का पानी ग्रहण करो। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने कुमारियों के साथ अपने हाथ में ले लिया और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। तो चारों भाइयों के विवाह हो गए। वैसे सीता जी का राम के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का और चारों भाई जो हैं जनक जी ने चारों पुत्री उनको सौंप दी और बड़ा सुंदर वहाँ पर यश हो रहा है। तो एक बार एक ही का रामलीला हो रही थी, रामलीला का बड़ा रिवाज था, अब ये कम हो रहा है। रामलीला होनी चाहिए, रामलीला से लोगों को पता रहता है राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, भरत शत्रुघ्न, इससे हमारी भावना शुद्ध होती है। रामलीला बड़ी आवश्यक है। तो रामलीला हो रही थी तो जो हनुमान का पाठ करने वाला था वो कुछ नाराज हो गया, कहता मैं नहीं पाठ करूंगा,
तो हनुमान जी का पाठ की बड़ी जरूरत थी, बड़ी परेशानी होने लगी। तो उन्होंने कहा कहा भाई क्या, वो कहे मैं नहीं पाठ करूंगा, चला गया हनुमान जो बना था। तो एक नाई था, नाई थोड़ा तगड़ा था, कहते चल भाई, कहते मैंने कभी पाठ किया नहीं, कहते भाई अभी बड़ी इमरजेंसी है, हनुमान नहीं कर रहा, तू हनुमान बन के थोड़ा बहुत बोल देना। हनुमान बन के जब आया तो पाठ था कि अशोक वाटिका हनुमान जी ने उजाड़ दी थी और उनको मेघनाथ पकड़ करके रावण के सामने पेश कर रहा था हनुमान को। तो रावण जो बोल अच्छा बोलने वाला था, कलाकार था, कौन हो तुम, क्यों आए यहाँ? कहते महाराज संतू नाई मेरा नाम है, मैं आना नहीं चाहता, जबरदस्ती ले आया मेरे को, मैं तो बड़ा कर रहा था, उनको जबरदस्ती ले, वो अपना असली रूप बता दिया बेचारे ने। एक बार हमारे कुछ कलाकारों की अभी जैसे हमारे जो जनक जी की मूछें गिर गईं, तो एक प्रॉम्प्ट देने वाले होते हैं, ऐसे ही बोल रहे थे तो मूछ उनकी गिर गई, उन्होंने बोला मूछ गिर गई, तो उन्होंने वो बोल दिया मूछ गिर गई। बोला ये भी कोई डायलॉग है बोलने वाला, जैसे रामलीला होती है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लोगों को भगवान राम का चरित्र पता होना चाहिए, कृष्ण लीलाएं भी होनी चाहिए, रामलीलाएं भी होनी चाहिए। यहाँ भी कौन सी लीला हो रही है? रामलीला तो करोगे ना, यहाँ रामलीला करते हैं तो आप सब आया करो, हैं लक्ष्मण सर में रामलीला होती है, पर यहाँ भी करो, यहाँ भी करो। तो लीलाएं लीलाओं के द्वारा बात समझ में आ जाती है, अंदर उतर जाती है। तो प्रिय बंधुओं, रामचरित्र हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें बहुविधि सब गावें संता, सारे संत गाते हैं। तो भगवान का नाम थोड़ा सा ले लो, उसके बाद कथा को विराम देंगे हम। रघुपति राघव राजा
तो आप सबका धन्यवाद। और रोज सुबह 4:30 मंगल आरती होती है, आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। सब लोग मंदिर मंगल आरती में पधारो, 4:30 बजे भगवान के मंगला के दर्शन करो। दर्शन करे मंगला और कोई नहीं रहे कंगला। अभी रामायण जी की आरती होगी, आप लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे रहो। देखो कल माताएं मेरे साथ बोल रही थी, मेरे पीछे बोलो, मैं एक बार बोलूंगा, एक बार आपने बोलना है, मेरे साथ नहीं बोलना। आरती श्री रामायण जी की। Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
इससे पहले मैं कुछ जयकारे बनाऊं, आप सब से ये अनुरोध है जो भी भक्त और माताएं पधारे हैं यहाँ पर सभी भोजन प्रसाद लेके जाएं, सबके लिए भोजन का प्रबंध है, बिना भोजन प्रसाद लिए कोई ना जाए, ऐसी विनम्र निवेदन सबके पास है। जय ओम विष्णुपाद परमेश्वरी विराधिकचारी स्तोत्र सचरी श्रीमचला भक्ति विदान गो स्वयं वाला शिल प्रभुपाद की।